दोस्तों भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की आज एक बार फिर से अंपायर के साथ बहस हुई, जिसके बाद काफी देर तक मैच को रोकना पड़ गया और ऐसे में अजिंक्य रहाणे कप्तान और अंपायर भी बहुत ज्यादा निराश दिखाई दिए। दोस्तों न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का 77वां ओवर कराने आए जब रविचंद्रन अश्विन राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे तो दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने अंपायर के आगे से जाकर कुछ गेंदें कराई, जिस पर अंपायर को गुस्सा आ गया और कुछ देर बाद अंपायर रविचंद्रन अश्विन के पास गए और रविचंद्रन अश्विन और अंपायर की काफी देर तक बहस होती रही। दोस्तों पर अंपायर का यह कहना था कि रविचंद्रन अश्विन डेंजरस लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं और दोस्तों इस पर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि वह डेंजरस लाइन पर गेंदबाजी नहीं कर रहे। और कुछ देर बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे भी आए और उन्होंने भी कहा कि यह डेंजरस लाइन पर गेंदबाजी नहीं है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इस मैच में रविचंद्रन अश्विन और अंपायर के बीच एक बार नहीं बार बार बहस होती देखी गई। दोस्तों इस पर आप ये रिकमेंड करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।